हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं बात करने वाला हूँ रणवीर सिंह की अपकमिंग फिल्म 83 के ट्रेलर के होल्ड को लेकर, जो ट्रेलर हमें आज यानी 11 मार्च के दिन देखने मिलने वाला था, बट अनफॉर्चुनेटली इस फिल्म के ट्रेलर को आज रिलीज नहीं किया गया। और इसी के चलते मैं इस वीडियो में आपको सूर्यवंशी फिल्म से रिलेटेड कुछ डिटेल्स दूंगा, इस फिल्म की रिलीज डेट से रिलेटेड। और इसी के साथ साथ हम ईद की क्लैश की भी बात करेंगे, जो क्लैश हॉटस्टार इंडिया के डिस्ट्रीब्यूटर्स और दिल्ली उत्तर प्रदेश के थिएटर ओनर्स के बीच है, जिससे शायद कहीं ना कहीं लक्ष्मी बम फिल्म को बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो चलिए उन सभी की सभी डिटेल्स पर बात करते हैं, ताकि आपको भी ये पता रहे कि बॉलीवुड में डिस्ट्रीब्यूटर्स किस तरीके से काम करते हैं। सो फ्रेंड्स, इसके पहले मैंने आपको अपडेट देते हुए ये बात कंफर्म की थी कि सूर्यवंशी फिल्म की रिलीज डेट शायद चेंज हो सकती है, वो भी सिर्फ और सिर्फ कोरोना वायरस के चलते। यानी अगर देखा जाए तो रूमर्स के हिसाब से सूर्यवंशी फिल्म की रिलीज डेट 10 अप्रैल की होगी, जिस रिलीज डेट पर रणवीर सिंह की फिल्म 83 भी रिलीज होने वाली थी, और दोनों ही फिल्म एक ही प्रोडक्शन हाउस में बनी है। ऐसे में मुझे नहीं लगता है कि इन दोनों फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर क्लैश होगा, इसलिए कहीं ना कहीं डिले तो बनता है। लेकिन अब कुछ और रूमर्स की बात करें जो कि सूर्यवंशी फिल्म से रिलेटेड निकल कर आई थी, कि कहा यही जा रहा है कि ये फिल्म अपनी इसी ऑफिशियल रिलीज डेट पर रिलीज होने वाली है, जो कि 24 मार्च है। बट इस रूमर में कितना ज्यादा दम है उसकी अपडेट तो खुद मेरे पास भी नहीं, बट देखा जाए तो हो सकता है कि ये फिल्म सच में डिले होगी, क्योंकि अब तक इस फिल्म के प्रमोशन के नाम पर किसी भी गानों को रिलीज नहीं किया गया है, जो कि फिल्म की रिलीजिंग डेट के हिसाब से अब तक रिलीज हो जानी चाहिए थे, बट अनफॉर्चुनेट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है सूर्यवंशी फिल्म से रिलेटेड। तो शायद इसी के चलते आज यानी 11 मार्च के दिन 83 फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया जाना था, वो भी काफी बड़े ग्रैंड इवेंट के साथ, वो नहीं हो रहा, जिसका रीजन अभी मैंने आपको बताया, जो कि कोरोना वायरस है। और ये भी हो सकता है कि इस फिल्म की रिलीज डेट को उठाकर शिफ्ट कर दिया जाए, जिसे शिफ्ट करने में बहुत सारी दिक्कतें भी आती है। और ऊपर से देखा जाए, अगर अप्रैल के मंथ में 83 फिल्म को रिलीज नहीं किया जाएगा, तो फिर मई के मंथ के लिए इस फिल्म को काफी सारी प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। बट अगर इस फिल्म को मई के मंथ के स्टार्ट में रिलीज किया जाए, तो फिर इस फिल्म के लिए राहत भरी बात होगी, क्योंकि सभी को पता है कि मई के मंथ में 3 बड़ी फिल्मों का क्लैश होने वाला है, जिनमें से एक फिल्म लक्ष्मी बम, दूसरी फास्ट एंड फ्यूरियस 9 और तीसरी राधे है। और इन तीनों फिल्मों में फिलहाल तो अभी तक ज्यादा स्क्रीन पर बाजी सलमान खान की फिल्म राधे ने मार ली है, लेकिन यहाँ पर सलमान खान के स्टारडम ने नहीं ये काम किया है, बल्कि लक्ष्मी बम के डिस्ट्रीब्यूटर्स ने कर दिया है, जो कि इस अकड़ में बैठ गए कि अक्षय कुमार के नाम पर ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट होगी, जिसके चलते उन्होंने दिल्ली और उत्तर प्रदेश साइड में थिएटर्स के ओनरों को बहुत ज्यादा परेशान किया है। और अब उन लोगों ने कसम खा ली है कि जब उनको थिएटर्स में रिलीज करने के लिए बागी 3 जैसी फिल्म नहीं मिली थी, तो वो लोग अपनी सिंगल स्क्रीन में सारे के सारे शोज राधे फिल्म को उठाकर दे देंगे, ना कि लक्ष्मी बम को, क्योंकि फॉक्स इंडिया के डिस्ट्रीब्यूटर्स ने बागी 3 फिल्म उन्हें ना देकर उनके होली के त्योहार को बर्बाद किया है। और इन डिस्ट्रीब्यूटर्स ने उस दिन मर जावा और जुमानजी द नेक्स्ट लेवल जैसी फिल्म चलाई है अपने थिएटर्स में। इस बात से आपको साफ साफ ये अंदाजा हो जाना चाहिए कि थिएटर्स ओनर दिल्ली और उत्तर प्रदेश साइड में कितने ज्यादा भड़के हुए हैं। यहाँ तक कि उन्होंने ये स्टेटमेंट भी साफ तौर पर दिया है कि आपने हमारी होली खराब की है, अब हम आपकी ईद खराब करेंगे। और जैसे कि मैंने कहा, ये वार्निंग सीधे सीधे हॉटस्टार इंडिया स्टूडियो को दी जा रही है। तो मुझे नहीं लगता है कि फैंस को ऐसा कुछ सोचना चाहिए कि सलमान खान ने अपने बलबूते पर अक्षय कुमार को ज्यादा स्क्रीन्स नहीं दी। यहाँ पर झगड़ा डिस्ट्रीब्यूटर्स और थिएटर ओनर्स के बीच चल रहा है, क्योंकि अगर थिएटर ओनर्स को इतनी ही ज्यादा अक्षय कुमार से चिढ़ होती, तो वो लोग अपनी सिंगल स्क्रीन में सूर्यवंशी फिल्म भी नहीं लगाते, जो कि उन्हें डिस्ट्रीब्यूटर्स की तरफ से रिलीज करने के लिए मिलेगी, क्योंकि इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटिंग के राइट्स रिलायंस एंटरटेनमेंट के हाथ में है। और हॉटस्टार इंडिया और थिएटर ओनर के बीच जो झगड़ा चल रहा है, उसकी पूरी की पूरी डिटेल्स को अगर मैं शॉर्ट में समझाऊं, तो ये किस्सा शुरू ऑब्वियसली लक्ष्मी बम और राधे फिल्म के क्लैश से हुआ था, जहां पर हॉटस्टार इंडिया वालों ने सिंगल स्क्रीन के थिएटर्स के ओनरों को सीधे सीधे ये वार्निंग दे दी कि अगर उन्हें बागी फिल्म चाहिए, तो उन्हें ईद के दिन लक्ष्मी बम फिल्म को पूरे के पूरे शोज देने होंगे, जिस पर थिएटर ओनर ने सीधे सीधे मना कर दिया। और फिर उसके बाद क्या था, हॉटस्टार इंडिया वालों ने उन सिंगल स्क्रीन के ओनरों को बागी 3 फिल्म नहीं दी। और अब बागी 3 फिल्म बॉक्स ऑफिस पर किस तरीके की परफॉर्मेंस दिखा रही है, ये बात आपको भी पता है और मुझे भी, क्योंकि इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में हमने बहुत बड़ी भारी गिरावट देखी है, जिसकी अगर कंपैरिजन बागी 2 फिल्म से की जाए, तो बागी 3 फिल्म बागी 2 के लेवल के आसपास भी नहीं खड़ी है। भले से ही ये फिल्म 100 करोड़ के क्लब में क्यों ना शामिल हो जाए, लेकिन फिर भी इस फिल्म पर बड़ा असर तो पड़ा है, क्योंकि बागी 2 फिल्म का बजट लगभग 60 करोड़ का था और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 250 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी। और इस केस में अगर मैं बात करूं बागी 3 फिल्म की, तो बागी 3 फिल्म का बजट ऑब्वियसली 2 के मुकाबले में ज्यादा है, लेकिन फिल्म ने अब तक बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद के मुताबिक कमाई नहीं की है, जो कि इस फिल्म के लिए मुझे लगता है एक बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है, जिससे शायद कहीं ना कहीं साजिद नडियालवाला और फिल्म के महान डायरेक्टर अहमद खान को ये सबक मिला होगा कि लोग किस तरीके की फिल्में देखना चाहते हैं और उन्हें क्या देना चाहिए लोगों को।
लेकिन इस पर रॉकस्टार इंडिया स्टूडियो बहुत ही ज्यादा गर्व कर रहा था कि उनके पास एक और ब्लॉकबस्टर फिल्म है बागी 2 फिल्म के बाद, जहां पर उनका अंदाजा पूरी तरीके से गलत साबित हुआ। वेल, तो अब आपकी क्या राय है इन सभी की सभी फिल्मों के अपडेट्स को लेकर, उस बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि सूर्यवंशी, 83 और उसके बाद ईद के क्लैश का क्या होगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, लगे तो उस बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि मैं चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए, अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन, बाय।